नमस्कार, कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी, जिसका साहित्य प्रकार है निबंध। कथनी यानी कहना और करनी यानी करना, यानी कि बातों का पालन करना। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। तो यह इकाई कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पालन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है, कुछ और है, और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले उनके कुछ शब्दार्थ देखें। सवारना यानी कि सजाया, अंतर यानी भेद फर्क, पार्क यानी बाग बगीचा, कतार यानी पंक्ति लाइन, एक के पीछे एक खड़ा रहना, वर्जित यानी निषेध मनाई, कंडक्टर यानी कि परिचालक ड्राइवर, और उसके साथ जो होता है वह टिकट काटने वाला कंडक्टर, शीघ्र यानी कि जल्दी, पोता यानी कि पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, राशि यानी रकम पैसे। अब इसके दो मुहावरे हैं, वह भी देख लेते हैं। गुणों की खान यानी कि बहुत गुण होना, यानी विशिष्ट व्यक्ति में गुण होता है उसे बहुत गुणी कहते हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना, यानी कि शर्माना, शर्म से आंखें झुक जाना। विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध में 4 ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। हम एक एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला है, लेकिन इस निबंध में कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। विद्यार्थी मित्रों, याद रखिएगा, आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे सवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को हमें मिलते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। इस 4 उदाहरण में कथनी और करनी में पहला उदाहरण है फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग
सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग फूल तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती व लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ इस पहले उदाहरण में फूल तोड़ना मना है एक सज्जन की बात कही गई है कि एक सज्जन ने सरकारी प्लॉट पर बगीचा बनाना सोचा कि यह रास्ता आने जाने का है तो वहाँ फूल रोप दे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने 3-4 फूल, फिर दूसरे दिन 3-4 फूल, यूँ करते करते पूरा बगीचा बन गया और पूरा बगीचा फूलों से महक उठा। वहाँ के सब मोहल्ले के लोग भी वहाँ टहलने सुबह शाम आने लगे। बाग बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इस सज्जन को ऐसा हुआ कि कहीं लोग फूल तोड़कर ना ले जाए, कि फूल तोड़कर ले जाएंगे तो पूरा बगीचा बिगड़ जाएगा और इस बगीचे की रौनक कम हो जाएगी। इसीलिए उस सज्जन ने एक तख्ती यानी कि एक बोर्ड पर लिख दिया, फूल तोड़ना मना है। लेकिन अच्छी हंसने वाली बात तब सामने आई कि जिस सज्जन ने वह तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, तब बड़े सवेरे वही सज्जन जिसने तख्ती लगाई थी वही सज्जन कुछ फूल तोड़ रहे थे। तब आते जाते लोगों ने देखा और कहा कि अरे भाई, आपने तो यह तख्ती लगाई है और मना किया है कि यहाँ फूल तोड़ना मना है और आप ही फूल तोड़ के ले जा रहे हो। तब उस सज्जन ने शर्मा गया क्योंकि उसकी शर्म से आंखें नीची हो गई। तब उसने बहाना बनाया कि मैं तो पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। यहाँ भी ऐसा ही है, कहना सभी को है लेकिन उसका अमल करना किसी को नहीं है। फूल भी सबको अच्छे लगते हैं, फूल सुंदर होते हैं, फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति भी शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों को और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पहले उदाहरण में फूल तोड़ना मना है इसकी बात कही है। अब दूसरा उदाहरण देखें, धूम्रपान वर्जित है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भी धूम्रपान वर्जित है। इसके एक उदाहरण दिया है कि बस में एक यात्री सफ़र कर रहा था, वह यात्री बीड़ी पी रहा था। तब कंडक्टर ने आकर उसे कहा कि भाई, तुझे पता नहीं है यहाँ बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है यानी कि धूम्रपान करना वर्जित है, चलो बीड़ी बाहर फेंक दो। और उस कंडक्टर ने वही बीड़ी उसे यात्री को बाहर फेंकवा दी। लेकिन मज़े की बात तब आई कि थोड़ी देर बाद वही कंडक्टर जिसने कहा था कि बस में बीड़ी पीना मना है, वही कंडक्टर अपने ड्राइवर मित्र के साथ जाकर दोनों बीड़ी पीने लगे। तब दूसरे
यात्री ने कहा भी कि भाई आप तो कुछ देर पहले से हमें तो कहते थे कि धूम्रपान करना वर्जित है, बस में बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तो आप क्यों पी रहे हो? तब उस कंडक्टर ने जवाब दिया कि यह हमारे लिए नहीं, यह आपके लिए, यानी सिर्फ यात्रियों के लिए है। तो यहाँ भी कथनी और करनी है। कंडक्टर ने उन्हें जो लिखा था, सूचना थी, वो दिखाई, लेकिन उसका अमल करना था, पालन करना था, तब उसने नहीं किया। वैसे भी सिगरेट और बीड़ी पीने से कैंसर होता है, आपने देखा ही होगा हर एक जगह पर नो स्मोकिंग, ऐसे कई सारे बोर्ड आपको देखने को मिलते होंगे। धूम्रपान वर्जित है। 31 मई विश्व धूम्रपान निषेध दिन मनाया जाता है। आइए संकल्प करें कि हम धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन कभी नहीं करेंगे। तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि पीने से रोग होता है। अब धूम्रपान कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग, बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ या तख्ती लगा दी होती है, क्योंकि धूम्रपान से वायु प्रदूषित होते हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की मनाही होती है। अब एक उदाहरण देखिए पार्किंग का। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तब दुकानदार बोला, यह तो मेरा बेटा है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। यहाँ स्कूटर की बात कही गई है तो एक सज्जन ने, यहाँ आपको किताब में दिया है गजानन किराना स्टोर, एक सज्जन दुकान के सामने स्कूटर पार्क करके अंदर जा रहा था, तब दुकानदार ने ही ना बोला कि भाई आप पार्किंग की जगह पर अपना स्कूटर खड़ा करके आइए। लेकिन वह सज्जन बोला कि मेरे को तो 10 मिनट का ही काम है, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार कहता है, यह ठीक बात नहीं है, जहां वाहनों की पार्किंग होती है वहां पार्किंग करके आइए। पर लेकिन जब उस दुकानदार का लड़का उसके दुकान के ठीक सामने उसके स्कूटर के बगल में खड़ा कर अंदर चला गया, तब उस सज्जन ने कहा था कि भाई आपने तो इसे नहीं बोला कि पार्किंग में रख के आओ स्कूटर। तब उस सज्जन ने कहा कि उसे मैं क्यों कहूँ, वह तो मेरा बेटा है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भी कथनी और करनी में अंतर है। दूसरों को सलाह देना आसान है, लेकिन उस सलाह को स्वयं स्वीकारना बहुत कठिन है। आपने हर एक बोर्ड देखे होंगे नो पार्किंग के, यहाँ पार्किंग का नाम मना है। आपने साइन भी देखी होगी, पी लिखा होगा ऊपर रेड और क्रॉस, और जो जिस जिसकी नो एंट्री होगी तो वह भी देखा होगा बोर्ड। यानी हमें हमेशा अपना कोई भी वाहन ठीक से पार्क करना चाहिए, न कि
यहाँ तहाँ छोड़ देना चाहिए। लोगों को मुश्किलें आती है, हम भी ऐसा ही करते हैं कि कहीं जाते हैं तो रास्ते में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मैं तो थोड़ी देर रुकने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ, नहीं देर लगेगी। तो यहाँ भी एक आदर्श की बात है। अब एक संस्कार का उदाहरण है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मकान मालिक कितने माह का किराया लेने आया था, तो 4। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, क्योंकि लोग सभी को सच्चाई सच बोलने की सलाह देते हैं कि हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ इस उदाहरण में एक सज्जन अपने बच्चे को गलत सिखा रहे हैं कि एक मकान मालिक जो पिछले 4 माह का किराया लेने आया था, लेकिन जो किराएदार था उसके पास किराया नहीं था, यानी कि या उसे किराया नहीं देना था, तो उसने बहाना बनाया, अपने बच्चों को कहा कि तू बाहर जा, जो मकान मालिक है उसे कहना कि मेरे पिताजी घर में नहीं है। तब बच्चे भी देखो, बच्चे ने क्या जवाब दिया, वह मकान मालिक से जाकर कहता है कि मेरे पिताजी ने जो अंदर बैठे हैं, जो अंदर घर में हाजिर है, उन्होंने कहा है कि वह वे घर पर नहीं है। इसलिए मकान मालिक हंसने लगा कि वह घर पर है फिर भी बच्चे को गलत सिखा रहे हैं। तो यहाँ संस्कार की बात है कि दूसरे के बच्चे को संस्कार देना हो तो हम सब अच्छा ही बोलते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए आदि सब। लेकिन वही सूचना का पालन जब हम पर करना हो तब हम उसे नहीं करते। तो यहाँ कथनी और करनी दोनों में अंतर दिखाई देता है। अब एक चौथा उदाहरण है अंत का। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि कोई भी काम हमें करवाना हो तो वह काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमें हमारी बारी की राह देखनी चाहिए। कोई किसी को रिश्वत देकर अपना काम नहीं निकलवाना चाहिए, हमें न्याय से सच्चे रास्ते से उस काम को चलाना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले, इससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लग गया ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं।
इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। यहाँ एक दादा और पोते की बात है। दादा ने सिखाया था कि हमारा कोई भी काम हो तो वह गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन उस दादा ने ही जब बिजली का बिल जमा कराने गए और लंबी लाइन देखी तो अपने संबंधी अपने पहचान वाले को बिल व राशि देखकर साइड में खड़े हो गए। तब पोता जो सच्चा था उन्होंने कहा, दादाजी आपने उनको बिल क्यों दिया, हमें तो लाइन में लगना है, हमें सही तरीके से बिल भरना चाहिए, किसी का सहारा लेना नहीं चाहिए, हमें हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब आसपास के सभी लोग हंसने लगे। यानी कि कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। आपने भी हर एक जगह देखा होगा लाइन कतार। तो आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसा जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यक के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक चार उदाहरणों वाला पाठ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमेशा जो कहते हैं वह करना चाहिए। आप भी ऐसा ही करते हो कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो हमारा जो ध्येय है जो नक्की किया हुआ है उसे हमें निभाना चाहिए। यहाँ पर कथनी और करनी दोनों में समानता रखनी चाहिए। इसीलिए पाठ के अंत में कहा है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, तभी हमको जग में, जग यानी दुनिया में हमें सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो पाठ के अंत में इस पाठ के अनुरूप गुरु कार्य लिख लीजिएगा। 8 प्रश्न है, इन 8 प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 2, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। प्रश्न 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। यहाँ फूल लिखा नहीं गया, लेकिन पूरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। प्रश्न 4 है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 5, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी कि आप इस इकाई को समझने के बाद अपने विचार लिखने हैं। प्रश्न 6, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। माफ़ कीजिएगा, यह दूसरी बार प्रश्न आ गया है तो यह ना लिखें। प्रश्न 7, मकान मालिक क्यों हंसने लगा। और प्रश्न 8, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा इकाई पाठ पूर्ण होता है।